हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता। अगर आप में से कोई भी मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड उसके बाद ही पास में एक बेल का आइकॉन दिखेगा उस पर भी प्रेस करना ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आज थोड़ा बोलने में तकलीफ़ हो रहा है बिकॉज मेरा जो दांत का है ट्रीटमेंट चल रहा है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड थोड़ा इग्नोर करना एंड ओके। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है वो है ये हैवेल्स का चॉपस्टिक कर्लर। यस, चॉपस्टिक मतलब वैसे तो बिल्कुल पतला नहीं है कि बिल्कुल चॉपस्टिक ही हो, लेकिन यस मैं बोलती हूँ ये इसका नाम ऐसा क्यों है बिकॉज आप जो है ये नूडल्स कर्ल करेगा, नूडल कर्ल्स मतलब जो एकदम नूडल्स जैसे। ओके, सो लास्ट में मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। ओके, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं। आपको जो है ये इस तरह से पैकेजिंग में मिल जाएगा। इसका जो डब्बा है ये इस तरह से है, कार्डबोर्ड जो है लाइक बॉक्स। ओके, सो ये इस तरह से है एंड मैंने ऑलरेडी खैर निकाल लिया है। उसके बाद आपको मिलेगा इस तरह का एक ये वाला कर्लर जो है, आप देख सकते हो ये कितना पतला है। ओके, सो मैं पहले आपको दिखा दूँ ये दिखने में कैसा है बस ये। एंड इसका जो वायर है आपको बहुत लंबा देख सकते हो, अच्छा खासा जो है लंबा वायर मिल जा रहा है, तो थोड़ा भी आपके प्लग्स जो है दूर भी है तो ये काम कर देगा। नॉर्मली कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा ये छोटा होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है वायर जो है, बट इसका लंबाई अच्छा खासा है। ओके, सो इसका जो है इस तरह से दो वाला है, तीन वाला नहीं है, जो बड़ा प्लग होता है वैसा नहीं है, नॉर्मल जो दो वाले रहते हैं वही है। ओके, सो ये इस तरह से दिखता है, ये ब्लैक कलर में है एंड इसका आई थिंक कलर ऑप्शन तो मुझे नहीं पता बट मैंने यही देखा था तो यही। एंड मैं सबसे पहले आपको बता दूँ इसका जो MRP है। ओके, सो इसका जो MRP है वो है 2295 एंड मैं एक्चुअली ये लेने दुकान में गई थी, मेरे घर के पास जो है वहाँ पे दुकान है तो मैं वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे जस्ट मुझे ये मिल रहा था 1950, तो लगभग लाइक 2000 ही बोल सकते हो, तो फिर जस्ट 10% से 12% ही ऑफ था। ओके, सो मैंने फिर वहीं पे क्या किया, एक्चुअली मैंने ऑलरेडी ये जो है अमेजोन में देख के रखा था एंड मुझे पता था मेरे घर के पास भी दुकान है तो अगर मुझे वहीं से मिलता है तो मैंने सोचा वहीं से ले लूँ एंड मुझे मिला भी, बट जस्ट इतना था। बट अमेजोन में मुझे फ्लैट 39% ऑफ मिला, ये ऑफर में था एंड मैं प्राइम मेंबर हूँ तो मुझे और 100 या 200 का और ऑफ मिल गया था, तो मुझे इसका जस्ट मिला है 1400 रुपीज़। ओके, अगर आप प्राइम मेंबर हो तो और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो जस्ट 1400 में मिला है, दुकान में मुझे महंगा पड़ रहा था तो मैंने फिर ये अमेजोन से लिया एंड वन डे डिलीवरी में था। जैसे मैंने कल ऑर्डर दिया तो मुझे आज सुबह सुबह मिल गए थे लाइक 11 बजे के अंदर ही मिल गया था। ओके, सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। ओके, वैसे तो अमेजोन में वन डे डिलीवरी होता है ज़्यादातर, कुछ कुछ सामान होता है जो थोड़ा टाइम लेते हैं। चलो अभी ये इस सामान के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है ये जो है आपको इस तरह से कर्ल, आप देख सकते हो कर्ल कर देगा आपका हेयर को। ओके, एंड इससे पहले जो मैं कलर यूज़ कर रही थी वो जो है थोड़ा मोटा वाला होता था, इतना पतला वाला नहीं होता था, वो भी है मेरे पास, वो आई थिंक फिलिप्स का था। यस, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया है एंड इसका नाम ही तो है चॉपस्टिक, तो आप देख सकते हो कितना पतला सा है ये। चलो मैं एक एक पार्ट बता दूँ। जैसे इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हो ये जो हिस्सा है दिख रहा है। ओके, ये जो हिस्सा है स्टैंड के लिए है, जब आप नहीं कर रहे होते हो तो जब ये गर्म होता है जस्ट आपको ऐसे रखना है ताकि ये जो हिस्सा आपका कहीं पे नहीं लगेगा, ये स्टैंड के लिए है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बटन है ऑन एंड ऑफ के लिए। ओके, सो ये जैसे ऑन होगा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक लाल बटन, ये जो है जलना स्टार्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा आपका जो ये सामान है ऑन है। ओके, जैसे आप तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ का ये जो है बटन है। ओके, तो इसमें कोई लाइक मीडियम हाई लो ऐसा कुछ नहीं है, ऑन एंड ऑफ का ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये है एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो है डेफिनेटली पता ही होगा, यहाँ पे टच नहीं कर सकते डेफिनेटली, ये जो है बहुत ही गर्म होता है एंड ये जगह है जो आप
टच कर सकते हो, ये सेफ्टी के लिए। अगर आप कर्ल करते टाइम लास्ट में जो है यहाँ पे जस्ट आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपको सब डेमो दिखा दूंगी तो आपको अच्छे से देखना है ओके, क्योंकि ये थोड़ा यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आपने कभी यूज नहीं किया है। इससे पहले मैं काफी बार यूज कर चुकी हूँ, फिर भी ये मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि एक तो इसमें ना लाइक एक होता है ना इसको होल्ड करने के लिए कुछ नहीं, जस्ट आपने क्या करना है ये लिया और आप ध्यान रखना जब भी कर्ल करोगे अपने हेयर को। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको डिटेल में सब बता रही हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने मुझे याद है यूज़ करा था, मैं क्या करती थी, मैं जो है मुझे इतना पता नहीं था, यहाँ से लेके मैं जो है ये हो एक मिनट में इस तरह से मैं ऊपर जाती थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है ओके, ये गलत है। आपने क्या करना है एक्चुअली ऊपर से लेके इस तरह से देखो, ताकि आपका हाथ यहाँ पे ना छुए, ठीक है। इस तरह से आपने करना है यहाँ पे, वेट ओके। सो ये हो गया, तो अब क्या करना है आपने यहाँ पे ऐसे आप इसको पकड़ सकते हो ओके। मेक श्योर करना, ध्यान रखना कि आपका जो हाथ है यहाँ पे ना लगे, नहीं तो अच्छा खासा आपको लग जाएगा एंड कान में भी लग सकता है, ऑलरेडी मुझे एक बार लग गया ओके। सो बी केयरफुल जब भी आप यूज करोगे, धीरे धीरे डेफिनेटली आपको सीख जाओगे, बट यस फिर भी थोड़ा सावधानी के साथ आपको करना है, ठीक है। थोड़ा सा हमें हमेशा अपने जो है कान स्किन से थोड़ा हटके अपने बाल को लेके जाना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद करना है, ऐसे नहीं करना कि ताकि हम मतलब हमें लग सके, ठीक है। तो ये एक बात हो गई ओके। एंड इसमें जो है अभी जैसे मैंने बोला वैसे तो इसमें और कुछ इतना बोलने को तो नहीं है ओके। सो फिर भी इसका जो है आप देख सकते हो बहुत ही टाइट, ये जो प्रॉमिस करता है आपको बहुत ही टाइट कर्ल करता है एंड यस ये कर्ल करता है। एंड अगर आप अभी मेरे जो बाल देख रहे हो मैंने इसी से किया है, बट मैंने ये नूडल्स कर्ल्स नहीं किया है, टाइट नहीं किया है, मैंने ये हल्का बोलते हैं ना खुले वाला ओके सो ये किया है, ठीक है। इससे आप बहुत सारे हेयर डेफिनेटली डिज़ाइन या मतलब हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हो इससे, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि कैसे नूडल्स कर्ल्स भी होता है ओके, डोंट वरी, मैं उसका भी एक डेमो दे दूंगी आपको, ठीक है। अभी जो ये है यही ओके। सो यस मैंने जो बोला ओके, तो ये है फास्ट हिटअप करता है, बहुत इंस्टेंट स्टाइलिंग इन 30 सेकेंड एंड बिल्कुल सही बात है ये। जैसे आपने ऑन किया ये हीट हो गया, झट से जो है आपने होल्ड भी नहीं करना है, सच बोलूँ तो काफ़ी जो स्ट्रेटनर या कर्लर जो भी है हमें थोड़ा देर होल्ड करना पड़ता है, लेकिन नहीं ये झट से इवन आप निकाल भी दोगे ना देखोगे वो हो चुका होता है। ये जो है करता है एंड फ्लेक्सिबल रबर ये वाला जो है वायर्स यस, एंड ये काफ़ी एक्चुअली अच्छा खासा लंबा तो है। एंड इसका जो हीट टेम्परेचर है ये है 190 डिग्री का है, ठीक है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर परफेक्ट रिजल्ट, ठीक है। ये जो है 190, ठीक है, आप याद रखना ताकि आपका जो हेयर है अच्छा से कर्ल हो जाए। एंड मैंने ये देखा है काफ़ी, मैंने अभी इसमें कोई होल्डर नहीं लगाया, होल्डर मतलब जब हम कर्ल करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं हमें होल्ड के लिए स्प्रेस करने होते हैं ताकि हमने जो किया है वो अच्छा खासा टाइम तक टिका रहे, जो होल्ड ही स्प्रेज होते हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए, वो मैंने वो यूज़ नहीं किया है। मैंने ये हमेशा ध्यान रखिए आप कोई भी अपने बालों पे गर्म चीज़ मतलब स्ट्रेटनर कर्लर या जो भी इलेक्ट्रिक सामान जो है आप लगाने का कोशिश करोगे उससे पहले आपको अपने बालों को हीट प्रोटेक्ट करना ही है, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे से ओके। तो मैं हमेशा ही करती हूँ एंड ये जो है मैंने जब भी आया था उसी के बाद मैंने ट्राई किया था ये, तो आप देख सकते हो अब तक है। मैं इवन आपको पता है हाँ बाल बांध चुकी हूँ, इधर उधर कर चुकी हूँ, फिर भी ये ऐसा ही है, टच से मस नहीं हुआ है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है विदाउट होल्ड स्टाइलिंग स्प्रे लगाने से भी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये मुझे काफ़ी इम्प्रेस्ड किया इसने तो ओके। ज़्यादातर बहुत मुश्किल होता है होल्ड, मतलब आपने जो करा है वो ज़्यादा ईयर्स मतलब सॉरी टाइम तक टिके, ईयर्स बोल दिया क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रही थी, तो ये 2 ईयर्स का गारंटी है ओके। तो ये 2 साल तक आपको गारंटी
मिलता है, अल्ट्रा स्मूथ डिज़ाइन, लाइट वेट एंड इजी टू हैंडल। यस, लाइट वेट तो है बट हैंडल वही जैसे कि मैंने बोला, थोड़ा सा जो है आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इसको यूज़ करें, जो कि मैं आपको दिखाने वाले हूँ लास्ट में। ओके, तो ये सभी इसके बारे में इतना बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो है बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छा लगा एक्चुअली। तो यस, अभी मैं आपको जो है डेमो दिखा दूंगी। ओके गाइस, तो ऑन कर लिया है मैंने। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले बोला आपको कि आपने पहले जो है अपने बालों पर हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लगा लेनी है, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी लगाया था एंड कर्ली भी कर रहा था। तो मैं अब क्या करूँगी, इसको जो है ब्रश कर लूँगी ताकि ये ट्रायंगल फ्री हो जाए। ओके, तो इस तरह से मैं एक हिस्सा ले रही हूँ, आप देख सकते हो छोटा सा। तो अब मैं इसको जो है ऊपर से नीचे की तरफ कर्ल करूँगी, ना कि नीचे से ऊपर, ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और थोड़ा सा हाथ को ध्यान से ताकि लगे नहीं, एंड जैसे ये हो जाए तो बस हमें निकाल देना है, ज़्यादा होल्ड नहीं करना है, ये झट से ही हो जाता है तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो या इस तरह से खींचोगे तो ये बाद में खुद ब खुद ही लंबा हो जाएगा, डोंट वरी। तो इस तरह से, एंड आप थोड़ा दूर दूर करोगे तो और अच्छा कर्ल्स आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मैं इसी तरह से थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले रही हूँ। अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया तो डेफ़िनेटली आप किसी के हेल्प भी ले सकते हो इस्तेमाल करने से पहले। एंड अगर आपका ड्रेसिंग टेबल के पास ही प्लग है तो और भी अच्छा है, आप देख के भी कर सकते हो तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। अभी जैसे मैं कैमरा में देख के कर रही हूँ मोबाइल के। ओके, तो इस तरह से हम कर लेंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हो मैं होल्ड नहीं कर रही हूँ, एंड अब मैं कोई होल्ड हेयर के लिए होल्डिंग स्प्रे भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही लॉन्ग लास्टिंग है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लगाना चाहें डेफिनेटली लगा सकते हैं। तो ये इसी तरह से करना है, एंड यहाँ पे आप छू सकते हो अपने हाथ में, इससे नीचे नहीं, रॉड में तो बिल्कुल ही नहीं। एंड इसके जो रॉड है ये बने हुए सेरेमिक कोटिंग से, ताकि आपको स्मूथ सा फिनिशिंग मिले एंड कोई भी आपके बाल जो है अटके नहीं, स्मूथली निकल जाए। ओके, तो इस तरह से हम कर लेंगे। आप बहुत अच्छे से भी कर सकते हो, लाइक छोटा छोटा हिस्सा अलग कर करके, तो और भी ज़्यादा अच्छे कर्ली बनेंगे। एंड अगर आपको बहुत ही लाइक पतला सा कर्ली बाल चाहिए तो आपने क्या करना है, बहुत ही छोटा छोटा हिस्सा लेना है। आप जितने छोटे हिस्से लोगे उतना ही पतला कर्ल्स जो है आपके बन जाएंगे। अभी मैं ये साइड में ले रही हूँ ये वाला हिस्सा छोटा सा। ओके, इस तरह से हमें करना है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से हम निकाल देंगे। तो यस, ये पतला वाला मैंने बनाया है, तो आपको भी इससे भी पतला चाहिए तो इससे भी छोटा हिस्सा लेके भी बना सकते हो। ओके, एंड मोटा चाहिए तो ज़्यादा मोटे बाल लेके कर सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे ही हमें पूरे बाल को करने हैं कर्ली, ठीक है। और आप देख सकते हो मैं होल्ड नहीं कर रही हूँ, जैसे हो जा रहा है मैं झट से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हो जा रहा है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अपने बालों को जो है और हीट देने की, है ना। तो बस इसी तरह से हम पूरे बाल पे आगे पीछे हर तरफ कर लेंगे। एंड इससे आप बहुत सारे तरीके के कर्लिंग स्टाइल कर सकते हो, जैसे मोटा कर्ल्स, पतले कर्ल्स, नूडल्स कर्ल्स। जस्ट आपको करना क्या है, आपके जो हेयर्स के क्वांटिटी है ज़्यादा कम करना। जैसे अभी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ थोड़ा मैंने मोटा वाला लिया है, तो इससे क्या बनेगा, और थोड़ा सा मोटा सा कर्ल्स दिखेगा, ठीक है। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए आप उसी हिसाब से जो है बना सकते हो, देख सकते हो कितना अच्छा सा बना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से आप कर लो। ओके, बस आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्किन से दूर रख के करना है ताकि आपको लगे नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसी तरह से सारे बालों को हम करते जाएंगे। एंड ये डेफिनेटली मेरे बहुत ही अच्छा है, मुझे Thank you.
कितना अच्छा से कर्ल हुआ है मैं थोड़ा सामने से राइट एंड आप सब ने भी देखा मैंने होल्ड बिल्कुल नहीं किया, जैसे लगाया झट से निकाल दे रही थी मैं। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। एंड अगर आपको इससे भी पतला चाहिए लाइक, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल छोटा सा ना, अभी यहाँ पे देखो ये जो मैंने लिया है इससे भी छोटा लेके ना, बिल्कुल छोटा सा लेके, जितना आप छोटा छोटा डेफिनेटली करोगे उतना ही ज़्यादा नूडल्स कर्ल्स जो है बन जाएंगे, है ना। तो यस ये है। एंड सामने जब आप करो, देखो जैसे सामने का बाल मेरा थोड़ा छोटा है क्योंकि मैंने अभी हेयर कटिंग लिया था, तो आपको क्या करना है जैसे मैंने बताया, थोड़ा दूर दूर जाके इसको घुमाना है ताकि अगर आप एकदम पास में करोगे तो ये बिल्कुल इतना छोटा सा हो जाएगा। तो वैसे तो खैर बाल में बाद में आप ऐसे खींच के भी थोड़ा लंबा कर सकते हो आप, ओके। सो अच्छे से आप कर लो तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा कर्लर है गाइज। एंड कहीं कभी आपको लाइक अपना हेयर स्टाइलिंग चेंज करनी हो, स्ट्रेट से कर्ली करने हो, तो कहीं जाना हो तो मतलब बेस्ट है ये वाला जो है हेवल्स का, सच में बहुत ही अच्छा है। मैंने जैसे कि आपको दिखाया एंड आप सबने देखा भी, अगर एंड इसका और एक अच्छा क्या है, अगर आप इसको खोलोगे ना वो ये और लाइक बड़ा, जिसको जो एकदम नूडल्स नहीं पसंद हो वो इस तरह से इसको जो है खोल भी सकते हैं। खोलने के बाद एक कुछ इस तरह से दिखेंगे, ओके। एंड मेक श्योर करना, जैसे मैं तो अभी आपको इसे दिखा रही थी, मेक श्योर करना कि आप जब भी ये यूज़ करोगे कर्ली करने के लिए, तो आपने जो अपना बाल को बहुत अच्छे से कंघी करना है, कॉम करना है, ताकि कोई भी हेयर ट्रायंगल ना रहे, नहीं तो मुश्किल हो सकता है आपको इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए। एंड अच्छा भी डेफिनेटली उतना परफेक्ट भी नहीं मिलेगा, ओके। सो यस, इस तरह से आप खोल दोगे तो, एंड इससे मोटा कर्ल्स भी कर सकते हैं। यस गाइस, आपको क्या करना है, जैसे मैंने जो पहले किया था उसको मैंने कैसे किया था, काफ़ी सारे लोग को बहुत पतला भी अच्छा नहीं लगता, तो वैसे मेरा बाल ऑलरेडी पतला ही है। आपको क्या करना है, इतना मोटा मोटा लेके एक ही बार में इस तरह से वही जो है स्ट्रेट कर्लर उससे कर्ल करना है, ताकि ये जो है मोटा मोटा कर्ल्स आपको मिल जाएंगे, ओके। सो यस, आप देख सकते हो मैं इतना मतलब मैंने कोई होल्ड के लिए स्प्रेज भी नहीं लगा, आप देख सकते हो मैं इतना कर रही हूँ तभी भी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है सी। तो यस है ना, चलो ओके। तो ओके गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एंड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनको भी ये प्रोडक्ट मिल सके, ओके। सो चलो गाइज, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। सो बाय।